नमस्कार दोस्तों, भारत में कई रहस्यमय मंदिर हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसे ही 3 रहस्यमय मंदिर के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नंबर 1, लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर। भारत में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। यह अपनी वास्तुकला और चित्रकला के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपने प्रसिद्ध तैरते स्तंभ के कारण सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। साइट पर मौजूद 70 खंभों में से एक हवा के बीच में लटका हुआ है, यानी बिना सहारे के मौजूद है। लोग मंदिर में आते हैं और खंभे के नीचे की वस्तुओं को पास करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह उसके जीवन में समृद्धि लाएगा। नंबर 2, रामेश्वरम मंदिर। आपने रामायण की कहानी के बारे में तो सुना ही होगा और जानते होंगे कि कैसे लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण किया गया था। खैर, यह हकीकत में भी है। ऐसे पत्थरों के अवशेष अभी भी रामेश्वरम में पाए जाते हैं। इन पत्थरों पर आज भी भगवान राम का नाम उत्कीर्ण है और पानी से भरे बर्तन में रखने पर ये तैरते रहते हैं। नंबर 3, ज्वाला देवी का मंदिर। ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा जिले के नीचे हिमालय में स्थित एक पवित्र मंदिर है। इसे भारत में रहस्यमय स्थानों में सूचीबद्ध किया गया है। इस मंदिर के अंदर खोखला पत्थर का केंद्रीय गड्ढा एक लौ रखता है जो 100 वर्षों से लगातार जल रहा है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इसकी सतह के नीचे मीथेन जैसी प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति है जो लौ को जला रही है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।